जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर फिर से रौनक लौट सकती है। एयरपोर्ट प्रशासन 21 मई से यहां से हज फ्लाइट्स का संचालन करेगा और इसके बाद इसे नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। हो सकता है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में या सितंबर के शुरुआती सप्ताह में एयरपोर्ट के टर्मिनल एक से नियमित फ्लाइट संचालन शुरू हो जाए। क्या होगा नए टर्मिनल को शुरू करने का फायदा और कैसी है इसकी तैयारियां, देखिए जी मीडिया की इस खास रिपोर्ट में। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर 21 मई से फिर से रौनक लौटेगी। यहां से 21 मई से हज का मुकद्दस सफर शुरू होगा। 21 से 27 मई तक हज की कुल 9 फ्लाइट्स का डिपार्चर होगा। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को एक एक फ्लाइट चलेगी, जबकि बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन दो दो उड़ानें संचालित होंगी। हज की ये फ्लाइट्स जयपुर से मदीना के लिए संचालित होंगी। वहीं 4 से 11 जुलाई के बीच हज फ्लाइट्स की वापसी होगी, जो कि जेदाह से जयपुर आएंगी। दरअसल हज की फ्लाइट्स पिछले साल भी टर्मिनल एक से संचालित की गई थी। इसके बाद से पिछले 10 महीने से जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल एक से कोई फ्लाइट संचालित नहीं हुई है। हज फ्लाइट्स को लेकर जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। हज के लिए तैयार टर्मिनल एक, हज से जुड़े सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजाम किए गए। हज कमेटी, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ जरूरी बैठकें की जा चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से टर्मिनल एक पर अतिरिक्त सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई। CISF के साथ ही एयरपोर्ट प्रशासन के सुरक्षा जवान भी रहेंगे। यात्रियों के लिए पेयजल और खानपान की व्यवस्था रहेगी। कार, बस, दुपहिया वाहन, पार्किंग के लिए सुविधा। महिला और पुरुष यात्रियों के लिए अलग से नमाज अदा करने की व्यवस्था। हज यात्रियों के साथ आने वाले परिजनों के लिए भी व्यवस्था रहेगी। हज की फ्लाइट्स के बाद जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन प्रयास कर रहा है कि यहां से नियमित रूप से फ्लाइट संचालन शुरू किया जाए। एयरपोर्ट प्रशासन टर्मिनल एक से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को संचालित करेगा। दरअसल अभी जयपुर से बैंकॉक, कुआलालंपुर, दुबई, शारजाह और मस्कट के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित हो रही है। इन सभी फ्लाइट्स का संचालन टर्मिनल दो के बजाय अब टर्मिनल एक से किया जाएगा। इसके साथ ही नॉन शेड्यूल यानी के चार्टर फ्लाइट का संचालन भी टर्मिनल एक पर शिफ्ट किया जा सकता है। टर्मिनल एक पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध। करीब 67 करोड़ की लागत से 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिल्डिंग, 2 मंजिला बनाया गया है टर्मिनल एक का भवन। ऊपरी मंजिल पर एयरपोर्ट प्रशासन और CISF के ऑफिस। ग्राउंड फ्लोर से रहेगा यात्रियों का आवागमन। अराइवल एरिया में कस्टम के 4, डिपार्चर में 2 काउंटर, इमिग्रेशन के 8 काउंटर अराइवल में और 8 काउंटर डिपार्चर में। हज फ्लाइट्स के लिए इनमें से करीब आधे काउंटर संचालित होंगे। एयरलाइंस के लिए डिपार्चर एरिया में 10 चेक इन काउंटर। यात्रियों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर 2 बोर्डिंग गेट बनाए गए। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को शुरू करने के लिए 3 से 4 बार प्रयास हो चुके हैं, लेकिन हर बार इसका शुरू करना टलता आ रहा है। पिछले 3 साल से एयरपोर्ट प्रशासन चाह रहा है कि टर्मिनल 1 को फिर से सुचारू किया जाए, लेकिन इस बार तैयारियां कुछ अलग हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने हज की फ्लाइट्स के बाद इसे नियमित रूप से शुरू करने की तैयारी कर ली है और माना जा रहा है कि अगस्त के एंड तक टर्मिनल 1 से फ्लाइट संचालन सुचारू हो सकेगा। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।